Hello students, in this video I am going to teach you next topic factors. ये जो factors है आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 69 पर है. ओके, फैक्टर में क्या दिया है? देखो, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन दी गई है. फैक्टर्स आर द नंबर्स विच एग्जैक्टली डिवाइड एनी गिवन नंबर. तो फैक्टर क्या होगा? फैक्टर जो होगा वो एनी गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएगा. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल आप मान लो आपके पास गिवन नंबर जो है वो 15 है. ओके, तो इसका फैक्टर क्या होगा जो 15 को एग्जैक्टली डिवाइड कर पाए? ओके, वो हो जाएगा 15 का फैक्टर. तो इसका देखो, स्टार्ट करते हैं 1 से. ये 1 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा. ओके, 1 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा 1. ओके, एंड देखो 1 से कैसे डिवाइड होगा? 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो इसका आंसर मिलेगा 15. ओके, तो ये 15 से 15 को एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएगा. तो 15 का फैक्टर हो गया 1 एंड 15. देखो तो इसका हो जाएगा 1 एंड 15. ओके, ये जो है, ओके, अगर कोई भी गिवन नंबर होगा, मान लो कि यहां पर 22 है, 23 है, कोई भी नंबर हो, तो उसमें दो कॉमन होंगे. ओके, दो कॉमन फैक्टर होंगे. एक तो होगा सभी में 1 होगा. ओके, कोई भी गिवन नंबर हो उसको तो हम 1 से एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएंगे. तो 1 जो है वो हो जाएगा कॉमन फैक्टर. ओके, सब में हो जाएगा ये. एंड जो लास्ट फैक्टर होगा वो होगा नंबर इटसेल्फ. तो नंबर होगा वो भी खुद का ही फैक्टर हो जाएगा. ओके, किसी भी नंबर को उसी नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएंगे. अगर 23 है तो उसको 23 से डिवाइड कर पाएंगे. यहां पर 15 है तो 15 को 15 से एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएंगे. तो जो 15 है वो उसका ही फैक्टर हो जाएगा. ओके, तो यहां पर उसका फैक्टर हो गया 1 एंड 15. अब आगे करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं 15 को. ओके, देखो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा 15. फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा. कैसे हो जाएगा? 3 5 15. तो 3 और 5 जो है ये भी हो जाएगा 15 का फैक्टर. ओके, 3 हो जाएगा. फिर 4 से डिवाइड करेंगे, देखो 4 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा. फिर 5 से हो जाएगा, देखो 3 और 5 है तो ये हो गया, देखो 3 एंड 5 इसका फैक्टर. फिर आगे करते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड नहीं होगा. 7 से भी डिवाइड नहीं होगा. 8 से भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा. 9 10 किसी से भी नहीं होगा. और लास्ट में हो जाएगा 15 से डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली. ओके, तो ये जो मिला हमें 1 3 5 एंड 15, ये हो गया 15 का फैक्टर. ओके, और एक एग्जांपल आपको दिया है, उसे सोल्व करेंगे. यहां पर देखो, यहां पर दिया है 21. ओके, 21 मल्टीप्लाई विथ 1 इज इक्वल टू 21 एंड 3 मल्टीप्लाई विथ 7 इज इक्वल टू 21. तो यहां पर क्या दिया है? देखो 21 इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 1 3 7 एंड 21. ओके, तो जो 21 नंबर है, गिवन नंबर है, वो एग्जैक्टली डिवाइड है. ओके, एग्जैक्टली डिविजिबल है बाय 1 3 7 एंड 21. तो ये जो 1 3 7 एंड 21 है, ओके, ये हो जाएगा फैक्टर ऑफ 21. ओके, तो ये हो गया इनका एग्जाम्पल. अब करते हैं टेबल. इसमें क्या करना है देखो, यूज द फॉलोविंग ग्रिड टू लिस्ट आउट द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर. तो यहां पर जो दिया है इसका हमने क्या करना है, ये सब है गिवन नंबर्स और उसका फाइंड करना है फैक्टर. ओके, फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? कि ये जो नंबर है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय कौन से नंबर होगा वो हमें फाइंड करना होगा. ओके, तो देखो 1 जो होगा वो किससे एग्जैक्टली डिवाइड होगा? तो 1 जो है, ओके, वो 1 से एग्जैक्टली डिवाइजिबल होगा. ओके, इसका एक 1 ही फैक्टर होगा. ओके, 1 का जो फैक्टर होगा वो होगा 1 इटसेल्फ. ओके, तो ये हो गया 1. अब देखो 8 को करेंगे. जो 8 जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय क्या होगा? ओके, 8 को हम एग्जैक्टली डिवाइड किससे कर पाएंगे? ओके, जिससे कर पाएंगे वो हो जाएगा 8 का फैक्टर्स. ओके, तो स्टार्ट करते हैं 1 से. ओके, तो 1 8 8. ओके, तो 1 से और 8 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा.
तो वन और एट जो है, ओके वन एट जा एट, एट होगा तो क्या हो जाएगा, वन और एट ये दोनों जो है वो हो जाएगा फैक्टर ऑफ एट। अब टू से डिवाइड करेंगे एट को, टू फोर जा एट हो जाएगा, तो इसका टू जो है वो हो जाएगा एट का फैक्टर, एंड फोर जो है, ओके टू फोर जा एट है तो टू एंड फोर बोथ हो जाएगा एट का फैक्टर। फिर थ्री से डिवाइड करेंगे, देखो थ्री से नहीं होगा, ओके फिर इसलिए फोर से हो जाएगा, इसलिए फोर टू जा एट हो जाएगा, तो फोर जो होगा हो जाएगा एट का फैक्टर। उसके बाद फाइव से डिवाइड नहीं होगा, सिक्स से डिवाइड नहीं होगा, सेवन से भी नहीं होगा, और लास्ट में हो जाएगा एट से डिवाइड हो जाएगा। ओके तो यहाँ तक ही हो गया, देखो वन टू फोर एंड एट, ओके एट का फैक्टर हो जाएगा वन टू फोर एंड एट। अब थ्री का करेंगे, देखो थ्री किससे एग्जैक्टली डिवाइड होगा, थ्री जो है वो वन से एग्जैक्टली डिवाइड होगा, वन थ्री जा थ्री, एंड थ्री से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। ओके देखो टू से नहीं होगा, ओके और थ्री से हो जाएगा, देखो वन और थ्री, और किसी कोई भी गिवन नंबर हो, ओके उसका जो मैक्सिमम फैक्टर है, ओके मैक्सिमम फैक्टर होगा नंबर इटसेल्फ, इससे ग्रेटर नहीं होगा। ओके अगर यहाँ पर गिवन नंबर सेवन है देखो, तो इसका कोई भी फैक्टर जो है वो सेवन से लार्जर नहीं होगा। ओके जो भी फैक्टर होगा वो स्मॉलर देन सेवन होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी जो भी इसका फैक्टर होगा या तो थ्री होगा या थ्री से छोटा होगा। तो यहाँ पर हो गया वन एंड थ्री, ओके थ्री का फैक्टर हो जाएगा वन एंड थ्री। अब टेन का करेंगे, टेन को वन से डिवाइड करेंगे तो इसका फैक्टर हो जाएगा वन एंड टेन, ओके वन टेन जा टेन, तो वन और टेन हो जाएगा टेन का फैक्टर। अब टू से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, टू फाइव जा टेन, तो इसका सेकंड फैक्टर हो जाएगा टू एंड फाइव, ओके। अब थ्री से डिवाइड करेंगे, थ्री से नहीं होगा, फोर से भी नहीं होगा, फाइव से हो जाएगा, ओके फाइव टू जा टेन, तो फाइव भी फैक्टर हो गया है टेन का। सिक्स से नहीं होगा, सेवन से भी नहीं होगा, और डायरेक्टली टेन से होगा, ओके एट नाइन से भी नहीं होगा, और ये हो गया टेन। ओके तो ये जो हुआ वन टू फाइव एंड टेन, ओके ये हो गया टेन का फैक्टर। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, टेन का फैक्टर, ओके टेन का फैक्टर क्या होगा, ओके किसी भी नंबर से अगर हम टेन को एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएंगे तो नंबर हो जाएगा टेन का फैक्टर। तो हमने स्टार्ट किया वन से, ओके वन से एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएंगे टेन को, हाँ कर पाएंगे, तो हो जाएगा वन जो है वो हो जाएगा टेन का फैक्टर। फिर टू से डिवाइड किया, ओके तो टू से भी हो गया एग्जैक्टली डिवाइड, तो टू हो गया टेन का फैक्टर। फिर थर्ड फैक्टर हो गया फाइव, ओके फाइव से एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएंगे टेन को, फाइव टू जा टेन, तो हो गया डिवाइड, ओके तो फाइव जो है वो भी हो जाएगा फैक्टर ऑफ टेन। फिर लास्ट देखो टेन होगा, ओके कोई भी नंबर गिवन नंबर होगा वो डिवाइड होगा इट सेल्फ, ओके एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएंगे, अगर टेन है तो टेन को एग्जैक्टली डिवाइड टेन से कर पाएंगे, तो टेन जो है वो भी हो जाएगा फैक्टर इट सेल्फ। ओके अब देखो फोर्टीन होगा, ओके तो फोर्टीन जो है उसको हम एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएंगे फोर्टीन से, तो जो फोर्टीन है वो हो जाएगा खुद का फैक्टर हो जाएगा। ओके देखो फोर्टीन को स्टार्ट करते हैं वन से, देखो वन से एग्जैक्टली कोई भी गिवन नंबर हो उसको हम वन से एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएंगे, एंड जो नंबर इटसेल्फ है उसको उससे, ओके फोर्टीन है तो फोर्टीन से उसको एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा वन और फोर्टीन, ओके सब में हो जाएगा। अगर यहाँ पर 26 है तो इसको हम वन से भी एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएंगे और 26 से भी एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएंगे। ओके अब इसका दूसरे जो होगा फैक्टर उसको फाइंड करेंगे, वन से एग्जैक्टली डिवाइड कर लिया, अब टू से करेंगे तो टू सेवन जा फोर्टीन हो जाएगा, तो टू से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, तो टू भी हो जाएगा इसका फैक्टर। फिर थ्री से डिवाइड करेंगे, थ्री से नहीं होगा, फोर से करेंगे, फोर से नहीं होगा, फाइव सिक्स किसी से भी नहीं होगा, सेवन से होगा, देखो टू सेवन जा फोर्टीन, तो टू और सेवन बहुत हो जाएगा फोर्टीन का फैक्टर। फिर एट से नहीं होगा, नाइन से टेन से नहीं होगा, डायरेक्टली फोर्टीन से होगा डिवाइड। ओके तो ये हो गया फोर्टीन का फैक्टर्स। अब सेवन का करेंगे, सेवन का वन को डिवाइड करेंगे, ओके सेवन को
तो वन हो जाएगा फैक्टर ओके, वन और सेवन। सबसे पहले ये आपको करना है किसी भी नंबर का ओके, गिवन नंबर का फैक्टर हो जाएगा नंबर इटसेल्फ एंड वन। फिर टू से डिवाइड करेंगे, टू से डिवाइड नहीं होगा, थ्री से डिवाइड करेंगे नहीं होगा, फोर से, फाइव से नहीं होगा, सिक्स से भी नहीं होगा, डायरेक्टली सेवन से होगा ओके। तो इसका जो फैक्टर है ये हो जाएगा वन एंड सेवन ओके। और जो यहाँ पर है 17, 31 एंड 91, 26, 5 एंड 49, ये आपको होमवर्क में करना है ओके। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर्स और डिवाइजर। ये जो टॉपिक है ये आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 70 पर है ओके। तो देखो इसमें क्या दिया है, फैक्टर्स और डिवाइजर क्या होगा, ये दोनों सिमिलर होगा ओके। जो भी डिवाइजर होगा वो होगा फैक्टर ओके, गिवन नंबर का फैक्टर हो जाएगा जिस नंबर का डिवाइजर होगा वही। इसमें देखो डेफिनेशन में क्या दिया है, वी नो दैट द फैक्टर इज अ नंबर विच डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। तो जो फैक्टर होगा वो एग्जैक्टली डिवाइड ओके, एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएगा गिवन नंबर को विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर ओके। अगर कोई रिमाइंडर ही नहीं होगा तभी हो जाएगा एग्जैक्टली डिवाइड। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, डिवाइड 55 बाय 5 ओके। अगर 55 को हम डिवाइड करें 5 से तो हमें क्वेश्चन पर मिलेगा 11 ओके, 11 5 से 55 हो जाएगा ओके। यहाँ पर 55 माइनस 55 क्या हो जाएगा, 0 0। तो इसका रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा ओके। तो ये हो जाएगा एग्जैक्टली डिवाइड, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं काउंट होगा ओके। यहाँ पर ये एग्जैक्टली डिवाइड है ओके, तो इसका क्वोशेंट हो गया 11 और डिवाइजर होगा 5। ये दोनों है 11 और 5, ये दोनों फैक्टर हो जाएगा 55 का। देखो यहाँ पर दिया है इसका सॉल्यूशन में, व्हेन वी डिवाइड 55 बाय 5 द क्वोशेंट इज 11 एंड देर इज नो रिमाइंडर लेफ्ट। देखो यहाँ पर दिया है क्वोशेंट हो जाएगा 11 और यहां पर रिमाइंडर हो जाएगा 0। दिस मीन्स दैट द 55 इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 5 ओके। इसका मीनिंग होगा जो 55 है वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा 5 से। थस वी कैन से दैट 5 एंड 11 आर फैक्टर ऑफ 55 ओके। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो 5 ओके, यहाँ पर जो 5 है डिवाइजर एंड जो 11 है क्वोशेंट, ये दोनों फैक्टर होगा 55 का ओके। तो ये हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। अब करते हैं सेकंड एग्जाम्पल, इसमें आपको दिया है डिवाइड 35 बाय 7 ओके। 35 को हमें 7 से डिवाइड करना है ओके। तो यहाँ पर होगा 35 बाय डिवाइडेड बाय 7 ओके। तो 7 के टेबल में 35 कहाँ पर होगा, 7 5 जहाँ 35 हो जाएगा ओके। 35 माइनस 35 क्या हो जाएगा, 0 0। तो देखो यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा 0 0, क्वोशेंट हो जाएगा 5 एंड डिवाइजर है 7 ओके। यहाँ पर रिमाइंडर हमें 0 मिला तो इसको हम क्या कहेंगे, 35 इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 7 ओके। जो 35 है वो एग्जैक्टली डिवाइजिबल है बाय 7 ओके। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो डिवाइजर 7 है एंड क्वोशेंट जो 5 है वो फैक्टर हो जाएगा 35 का ओके। देखो यहाँ पर दिया है 35 इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 7। देखो एग्जैक्टली डिवाइजिबल है क्योंकि रिमाइंडर हमें 0 0 मिला इसलिए एग्जैक्टली डिवाइजिबल है विथ क्वोशेंट 5 ओके। क्वोशेंट क्या है, 5। दस 7 एंड 5 आर फैक्टर ऑफ 35, इसलिए जो 7 एंड 5 है ये दोनों फैक्टर हो जाएगा 35 का ओके। तो यहाँ पर हो गया एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल 3 में देखो क्या दिया है, डिवाइड 81 बाय 9 ओके। तो जो 81 को अगर हम 9 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, 9 9 जा 81 हो जाएगा ओके। 81 माइनस 81 जीरो जीरो, यहाँ पर भी रिमाइंडर हो जाएगा 0। देखो यहाँ पर करता हूँ ओके, 9 9 जा 81, 81 माइनस 81 जीरो जीरो। देखो यहाँ पर हो गया रिमाइंडर 0 ओके। तो 81 जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड होगा 9 से अगर रिमाइंडर 0 है तो ओके। अगर यहाँ पर रिमाइंडर कुछ होता 1 2 3 तो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली डिवाइड है ओके। 81 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9
विथ अ कोशंट 9, ओके, जिसका कोशंट 9 है, थस 9 इज अ फैक्टर ऑफ 81, ओके। यहां पर देखो डिवाइजर एंड जो कोशंट है ये दोनों 9 9 है, ओके। तो 9 9 टू टू टाइम्स हमें काउंट नहीं करना है, हमें वन टाइम ही काउंट करना है, ओके। यहां पर 9 एंड 9 ऐसा फैक्टर ऑफ 81 नहीं होगा, ओके। यहां पर होगा ओनली वन टाइम, ओके। 9 इज अ फैक्टर ऑफ 81, ओके। ये हो गया एग्जाम्पल 3। एक बार फिर से रिपीट करता हूं एग्जाम्पल इसको, ओके, इस एग्जाम्पल को देखो। यहां पर क्या था, 7 एंड 5 था, तो 7 एंड 5 हो जाएगा फैक्टर ऑफ 35, ओके। लेकिन यहां पर देखो 9 9 टू टाइम्स है, तो हमें टू टाइम्स नहीं लिखना है, ओके। टू टाइम्स 9 फैक्टर नहीं होगा 81 का, यहां पर होगा सिंगल टाइम फैक्टर, ओके। हमें एक ही टाइम लिखना है, 9 इज अ फैक्टर ऑफ 81, ओके। तो ये हो गया एग्जाम्पल। अब करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 44, ओके। तो इसमें क्या करना है, हमें 44 का फैक्टर्स फाइंड करना है। तो ये हमने पहले भी किया था यहां पर देखो, ओके। यहां पर आपको एग्जाम्पल दिया था, उसमें फाइंड किया था, और इसमें भी हमने फाइंड किया था। अब यहां पर फाइंड करना है, ओके, 44 का फैक्टर्स। तो कैसे करेंगे, तो जो गिवन नंबर है 44, वो एग्जैक्टली डिवाइड किससे होगा, 1 से स्टार्ट करेंगे। एग्जैक्टली डिवाइड 1 से हो जाएगा, ओके। कोई भी गिवन नंबर हो 1 से डिवाइड होगा, ओके। 44 वन सा 44 हो जाएगा, तो 1 एंड 44 जो होगा वो हो जाएगा फैक्टर ऑफ 44, ओके। फिर नेक्स्ट क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, ओके। 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 2, 22 टू सा 44 हो जाएगा, तो 2 एंड 22, ओके। ये दोनों भी हो जाएगा फैक्टर्स ऑफ 44। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से नहीं होगा, अब 4 से करेंगे, ओके। देखो 4 से हो जाएगा एग्जैक्टली डिवाइड, 4 11 सा 44, एंड तो हो जाएगा 4 एंड 11, ओके। ये दोनों भी हो जाएगा फैक्टर्स ऑफ 44, ओके। फिर क्या करेंगे, 5 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 9 10 किसी से भी नहीं होगा, ओके। फिर 11, ओके, 11 के बाद 12 30 से नहीं होगा, डायरेक्ट 22 से होगा, फिर लास्ट में हो जाएगा 44। तो ये जो हमें मिला है ये हो जाएगा फैक्टर्स ऑफ 44। देखो सॉल्यूशन में आपको क्या दिया है, 44 इज एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 1 4 11 22 एंड 44, ओके। यहां पर आपको 2 नहीं दिया है, यहां पर 2 आएगा, ओके। यहां पर मिस्टेक है, 1 2 4 11 22 एंड 44 आएगा, ओके। तो ये हो जाएगा फैक्टर्स ऑफ 44, ओके। यहां पर देखो दिया है 1 4 11 22 एंड 44 आर द फैक्टर्स ऑफ 44। यहां पर आपको एक ऐड करना है, यहां पर 2 भी आएगा, ओके। हम 44 को 2 से एग्जैक्टली डिवाइड कर पाएंगे, ओके, इसलिए 2 भी आएगा यहां पर। यहां पर आपको नहीं दिया है, तो यहां पर आपको ऐड करना होगा, 1 2 4 11 22 एंड 44 आर फैक्टर्स ऑफ 44। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, लास्ट एग्जाम्पल है ये इसका, डिवाइड 42 बाय 5, ओके। यहां पर आपको 42 को डिवाइड करना है 5 से, तो कैसे हो जाएगा, 5 का टेबल में 40 कहां पर आएगा, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, ओके। 9 9 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए 5 8 जा 40। नाउ 42 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 2, ओके। अब 2 को डिवाइड करना है, ओके, 2 यहां पर कोई नंबर नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ओके। ये हो गया हमारा रिमाइंडर, और ये हो गया हमारा कोशंट। तो देखो रिमाइंडर यहां पर आपको 2 मिला है, तो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। देखो यहां पर दिया है 42 इज नॉट एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 5, ओके। तो जो 42 है वो एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 5 नहीं है, ओके, 5 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा 42। तो क्या होगा, देखो यहां पर रिमाइंडर दिया है, लिव रिमाइंडर 2, इसका रिमाइंडर 2 है, सो 5 इज नॉट नॉट द फैक्टर ऑफ 42। तो यहां पर 5 एंड 8 जो है वो फैक्टर नहीं होगा 42 का, ओके। यहां पर 8 और 5 जो है अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं है, यहां पर रिमाइंडर आपको कुछ मिलता है, यहां पर 2 मिला है, तो ये दोनों इसका फैक्टर नहीं होगा, ओके। देखो यहां पर दिया है 5 इज अ नॉट फैक्टर ऑफ 42, ओके, तो 5 फैक्टर नहीं होगा 42 का।
तो ये हो गए आपके सारे एग्जाम्पल। अब देखो यहाँ पर इस पिक्चर में आपको क्या दिया है, बोर्ड पर लिखा है यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर। ओके, यहाँ पर थ्री प्रॉपर्टीज दी गई है फैक्टर की। देखो वन इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, जो वन होगा वो फैक्टर हो जाएगा एवरी नंबर का। ओके, ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। ओके, कोई भी गिवन नंबर हो उसका वन जो है वो फैक्टर हो जाएगा। ओके, एंड सेकंड है एनी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, तो कोई भी नंबर होगा गिवन नंबर 35, 42, 102, ये फैक्टर हो जाएगा इटसेल्फ। ओके, इसका वन भी हो जाएगा एंड हो जाएगा नंबर इटसेल्फ। ओके, 102 इसका फैक्टर हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा वन एंड 42। ओके, वन भी हो जाएगा एंड 42 हो जाएगा एंड इसका हो जाएगा 35 इटसेल्फ एंड वन। ओके, एनी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। ओके, कोई भी गिवन नंबर हो वो फैक्टर हो जाएगा इटसेल्फ। ये हो गई सेकंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी देखो, एवरी फैक्टर ऑफ नंबर इज आइदर लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। ओके, कोई भी फैक्टर हो गिवन नंबर का, ओके, या तो गिवन नंबर जितना ही होगा, ओके, गिवन नंबर तो होगा ही, ओके, उसका फैक्टर, और इससे लेस देन ही होगा। ओके, उसके ग्रेटर देन कभी इसका फैक्टर नहीं होगा। ओके, 102 है मान लो यहां पर आपके पास गिवन नंबर, तो इसका जो फैक्टर होगा वो 102 तक ही होगा और इससे लेस देन होगा। ओके, इससे ग्रेटर देन नहीं होगा। ओके, तो यह हो गई आपकी प्रॉपर्टी थ्री।